है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ परफेक्ट बेस के लिए ये ट्यूटोरियल शेयर करूँगी। आप कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो एंड आपको कौन से प्रोडक्ट पहले यूज़ करने हैं वो सारी चीज़ें बताऊँगी। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल आइकन सो दैट जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आए। सो या विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना फेस मॉइस्चराइज कर लेना है। उसके लिए मैं यहाँ पे निविया का मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी नॉर्मल मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हो या फिर फेशियल ऑयल यूज़ कर सकते हो, या फिर आपने कोई स्पेसिफिकली ख़रीद के रखा है अपने मेकअप रूटीन के टाइम पे करने के लिए तो आप वो भी ऑयल यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे मैंने निविया का लाइट वेट मॉइस्चराइजर यूज़ किया है। इससे जो आपकी स्किन है वो ऑल टाइम हाइड्रेट रहेगी, आपका जो मेकअप है वो क्रैक नहीं होगा। उसके बाद आपको प्राइमर अप्लाई कर लेना है। प्राइमर बहुत ज़रूरी है आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए। मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी प्राइमर यूज़ कर सकते हो, आप चीप से लेके हाई ब्रांड तक यूज़ कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो प्राइमर के लिए भी। इससे भी आपको अपने फेस पे जहाँ पे आपको पोर्स होते हैं, ज़्यादा पोर्स की प्रॉब्लम है, ओपन पोर्स जो होते हैं आप वहाँ पे ही अप्लाई करें ज़्यादा करके। इसे भी आपको अच्छे से मसाज दे देना है। उसके बाद आपको अगर डार्क सर्कल का ज़्यादा प्रॉब्लम है, लाइक आपके फेस पे पिंपल वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो आप पहले अपना फेस का जो डार्कनेस है उसे हाइड कर सकते हो। उसके लिए आप कलर करेक्ट भी यूज़ कर सकते हो या फिर अपने स्किन टोन से मैच होता हुआ एकदम सेम कलर कंसीलर यूज़ कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे ट्राइलॉन का कंसीलर किट यूज़ कर रही हूँ। उसमें से मैंने अपने स्किन टोन से मैच होता हुआ शेड पिक किया है, उसे ब्रश के हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ। आप अगर चाहें तो यहाँ पे ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ कर सकते हो या फिर आप कोई मैट लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हो रेड या फिर ऑरेंज कलर की, अगर आपके पास करेक्टर नहीं है तो। सो उसके बाद इसे आपको ब्लेंड कर लेना है ब्यूटी ब्लेंडर से, या फिर आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हो और डायरेक्ट फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके डार्क स्पॉट्स ज़्यादा है तो आप इसे पाउडर से भी सेट कर सकते हो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप कर सकते हो। सो नेक्स्ट स्टेप के लिए यहाँ पे मैं फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे फाउंडेशन के लिए एलए कलर्स का फाउंडेशन यूज़ किया है। आप कोई भी फाउंडेशन या फिर बीबी क्रीम यूज़ कर सकते हो अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग। इसे मैंने अपने फिंगर के हेल्प से फैला दिया है। उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी। सो यहाँ पे मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ जो कि मैंने कलर करेक्टर के टाइम पर यूज़ किया था, क्योंकि वो मेरे स्किन टोन से मैच होता हुआ था। इसलिए अगर आप कोई ऑरेंज करेक्टर यूज़ कर रहे हो तो मेक श्योर आप कोई और ब्रश या फिर कोई और स्पंज यूज़ करें, सो डैट जो आपका फाउंडेशन है वो उसके साथ मिक्स नहीं होगा। अगर आपने ऑरेंज करेक्टर या फिर कोई लिपस्टिक कलर लिपस्टिक यूज़ किया अपने डार्क सर्कल को हाइड करने के लिए, कलर करेक्ट करने के लिए, तो उसे पाउडर से ज़रूर सेट कर ले, अदरवाइज वो फाउंडेशन अप्लाई करते टाइम ब्लेंड हो जाएगा उसके साथ और वो क्लियरली दिखेगा कि आपने यहाँ पे कलर करेक्ट किया हुआ है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है कंसील करना। उसके लिए मैं यहाँ पे मेबलिन का फिट मी कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। ज़्यादा अमाउंट नहीं अप्लाई कर रही हूँ अपने अंडर आई पे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कलर करेक्ट किया था अपने सेम स्किन टोन से मैच होता हुआ कलर यूज़ करते हुए। सो यहाँ पे मैं थोड़ा ही कलर सॉरी कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ अपने अंडर आई पे, एंड मैं सेम कंसीलर अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए भी यूज़ कर रही हूँ। जो हाई पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ। सेम टाइम कॉन्टोरिंग भी कर रही हूँ। आप चाहे तो पहले कंसील करके बाद में कॉन्टोर कर सकते हो। उसके लिए मैं यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का कॉन्टोर स्टिक यूज़ कर रही हूँ। सारे प्रोडक्ट और शेड नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। सो इसे मैंने अपने फोरहेड चिन एंड जॉ लाइन पर अप्लाई कर लिया है। उसके बाद मैंने सेम ब्यूटी ब्लेंडर लिया है और मैं उससे ब्लेंड कर रही हूँ। उससे पहले मैं अपना कंसीलर एरिया ब्लेंड करूँगी, उसके बाद कॉन्टोरिंग एरिया ब्लेंड करूँगी।
यहाँ पे मेरा कंसीलर ऑलमोस्ट ब्लेंड हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना कॉन्टोरिंग ब्लेंड करूँगी। आप चाहते हैं यहाँ पे सेम ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर सकते हो या फिर कोई ब्रश यूज़ कर सकते हो। मैं अपने नोज़ के कॉन्टोरिंग के लिए अपना फिंगर यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पे ब्रश भी यूज़ कर सकते हो। आपको कॉन्टोरिंग के लिए मैं यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ और उसे अपर डायरेक्शन में सर से पुश करते हुए ब्लेंड कर रही हूँ। सो हमारा कॉन्टोरिंग एंड कंसीलिंग हो चुका है। अब हम अपना फेस सेट करेंगे। उसके लिए आप चाहे तो कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर सकते हो या फिर लूज HD पाउडर यूज़ कर सकते हो या फिर कोई भी ट्रांसल्यूशन पाउडर यूज़ कर सकते हो आप। सो यहाँ पे मैं HD पाउडर यूज़ कर रही हूँ, कलर एसेंस का लूज HD पाउडर। और इसे ब्रश पे लेके मैं इसे पहले अपना अंडर आई सेट कर रही हूँ। आपको सबसे पहले अपना अंडर आई ही सेट करना है ताकि वो क्रीज ना पड़ पाए। अगर आपको ज़्यादा फाइन लाइन्स है तो आप क्या कर सकते हो, आप कंसीलर लगा के थोड़ी देर वेट कर सकते हो। सो दैट फिर बाद में आप उसे एक टिश्यू पेपर से हल्का सा डैप करते हुए वाइप कर सकते हो। सो दैट जो एक्स्ट्रा एक्सेस कंसीलर होगा वो अपने आप रिमूव हो जाएगा टिश्यू पेपर के साथ। उसके बाद आप अपना बेकिंग कर सकते हो। सो यहाँ पे मैंने अपने फेस का बेकिंग कर लिया है अच्छी तरह से। उसके बाद यहाँ पे आता है ब्रॉन्जर लगाने की बारी। आप ये स्टेप स्किप कर सकते हो अगर आप कॉन्टोरिंग कर चुके हो एंड आपको ब्रॉन्जर इफेक्ट नहीं चाहिए तो। बट मैं यहाँ पे आपको एक परफेक्ट बेस के लिए ट्यूटोरियल बता रही हूँ तो मैं यहाँ पे सारे प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ सो डैट आपको एक क्लियर व्यू मिले। सो यहाँ पे मैंने रिमेल लंडन का ब्रॉन्जर यूज़ किया है। इसे मैं अपने सारे कॉन्टोर वाले एरिया में अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहें तो डायरेक्ट कोई कॉन्टोरिंग पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। अपने बेस को लॉन्ग लास्टिंग एंड सेट करने के लिए सेटिंग स्प्रे लगाना ना भूलेगा। इस सेटिंग स्प्रे मस्ट है आपके कोई भी मेकअप रूटीन के लिए। आप सेटिंग स्प्रे ज़रूर लगाएं, ठंडी हो, गर्मी हो या बारिश का मौसम हो। सेटिंग स्प्रे बहुत मस्ट होता है आपके मेकअप को सेट करने के लिए। सो मेरा बेस जो है वो रेडी है। मैंने यहाँ पे बहुत लाइट सा लिपस्टिक अप्लाई किया है एंड मस्कारा अप्लाई किया है क्योंकि लिपस्टिक एंड बिना आई मेकअप के जो बेस होता है काफ़ी फीका फीका दिखता है। इसके लिए मैंने लुक को कम्प्लीट करने के लिए ये चीज़ें अप्लाई की हैं। सो कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। सो या सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय।